Welcome back, students. This is the video for class 3, subject computer. And this is your chapter number 3 and lecture number 20. In your last video, we saw what are closed figure and what are open figures and how to fill color in them. In this video, we will see what are different color groups. हमने आपके last video में देखा था कि हम open figure किसे कहते हैं और closed figure किसे कहते हैं. और इस video में हम देखेंगे कि color groups किसे कहते हैं. Now, What fun are pictures without colors? अगर pictures में color नहीं हो तो फिर उन pictures से मजा कैसे आएगा? तो इसीलिए to color the pictures you draw in paint, use the color given in the color groups. इसीलिए आप paint में क्या करते हैं? Color groups का इस्तेमाल करते हैं. The edit colors option in the colors group open a palette of color where you can make a new color from the option available. Edit color group क्या करता है? तो आपके जो भी color रहते हैं, उनके color को वो थोड़ा बहुत change करने में आपकी help करते हैं, यानी उनको लाइट शेड से लेके डार्क शेड तक करके आपको वो दिखाता है. न्यू कलर चूजन और क्रिएटेड यूजिंग एडिट कलर ऑप्शन आर एडेड टू द डिफॉल्ट 20 कलर पैलेट. तो आपका जो कलर पैलेट होता है उसमें आपके मेन 20 कलर्स होते हैं जहां से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. लेकिन अगर कई बार ऐसा हो कि आपको जो कलर चाहिए वो उस कलर पैलेट में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां कलर पैलेट पे एडिट कलर का ऑप्शन चूज करके और वहां से आप बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स को चूज कर सकते हैं. यानी बहुत ज्यादा वहां कलर्स होते हैं, आप उनमें से अपने लिए डिजायर्ड कलर चूज कर सकते हैं. और जब आप वो कलर चूज कर लेंगे तो वो कलर आपके 20 कलर वाले कलर पैलेट में शिफ्ट हो जाएगा. In the color group, you will notice two color boxes, color 1 and color 2. अब आपका जो color palette है, उसमें दो boxes भी अंदर होते हैं, जिसका labeling होता है color 1 and color 2. Color will indicate the current color, that is the foreground color, and color 2 is the background color. अब color 1 क्या होता है? तो आप जो भी type करेंगे, जो भी draw करेंगे, वो किस color में आएगा? वो होता है आपका color 1, और color 2 होता है आपके background का जो color होगा, वो color 2 हो जाता है. Now, color 1, to use the foreground color, click on it and select a color from the color group. अब color 1 को choose करने के लिए, आप color 1 पे click करेंगे और एक color select कर लेंगे color palette से. This color is useful while using pencil, brushes, text, lines and borders of shape. अब इसका इस्तेमाल किस-किस चीज़ में हो सकता है? तो मैंने आपको भी बताया कि आप इससे shape draw कर सकते हैं, line draw कर सकते हैं. उसके बाद से brush, paint, पेंट ब्रश, पेंसिल, ये सारी चीजें आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं. Now next is color 2. Now to use the background color, click on it and select the color from the color palette. This color is used with eraser and for shape fills. अब color 2 का इस्तेमाल किसमें होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है background color के लिए. इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? अपना desired color select कर लेंगे. इसके बाद क्या होगा? ये color आप किस-किस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो eraser के साथ और शेप फिल के साथ. After selecting color 1 and color 2, you can draw colored images. अब color 1 और color 2 select करने के बाद आप कोई भी इमेज बना सकते हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इमेज कैसे बनाते हैं. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.